अपनात्मा उस लड़की का पिछली सारी अपने जीवन की कहानी याद आ गई। ये कमाली वाली आत्मा जो है ये सतयुग से मालिक की चरणों में सेवा में रही। सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी दीपिका थी, उसमें इनको परमात्मा शिशु रूप में मिले थे, परमात्मा की सेवा की थी, वो पुण्य मालिक ने इनका बनवाया। फिर वही आत्मा दोनों की दोनों त्रेता युग में वो वेदविद ब्राह्मण हुआ और वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। फिर आगे चल के दोनों की कुछ पुण्य थे वो स्वर्ग में रहे। उसके बाद वो वेदविद वाली आत्मा तो स्वामी रामानंद हुआ और वो सूर्या और दीपिका वाली आत्मा ये कमाली हुई। कमाली का जन्म मुसलमान धर्म में हो गया। अब मुसलमान धर्म में ये ज्ञान प्रवेश करना को बालकों का खेल नहीं, वो तो इतने आरूढ़ हो चुके हैं, वो उस ज्ञान और इस निराकार भगवान इस काल के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते। अब परमात्मा वहाँ पहुँचे, 10-12 वर्ष की लड़की थी, तब उनसे मिले, उनको जो ज्ञान समझाया बेटी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उसी आधार से परमात्मा उस कमाली को मिले थे। कमाली बता रही है मुझे परमात्मा मिले थे जब मैं 12 वर्ष की आयु में थी, मेरा नाम राबिया था और मैंने परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के पिछले संस्कार भी कुछ काम करते हैं, मैंने नाम भी ले लिया, 4 वर्ष मैंने भक्ति भी की, शादी कराने से भी मना कर दिया था। अब क्या कहानी थी पुण्यात्माओं, ये राबिया 12 वर्ष की थी, परमात्मा मिले, इनको सारा ज्ञान समझाया, पिछले संस्कार से थे जो कि से धर्म में भी इसने परमात्मा को स्वीकार किया। 4 वर्ष तक पूरा संघर्ष किया आप समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, और सत साधना करती रही, और विवाह करने से मना कर दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, लेकिन माता पिता रूढ़िवादी गणे थे, रोटी खानी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, बेटी हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, बेटी को घर पर कैसे रखेंगे। तो माता पिता के इस दुख को देखकर उसने स्वीकृति दे दी कि मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मन में ये सोच लिया कि मैं अपने पति से फैसला करूँगी। विवाह होता है तो मुसलमान धर्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसमें निकाह कबूल करना होता है, सामने दोनों बच्चों को बैठाकर पूछा जाता है, बेटी क्या तू इसे विवाह करना कबूल करती है, वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होता, नहीं तो नहीं होता है। तो वहाँ उसने स्वीकृति दे दी, ब्याह हो गया। एक बहुत बड़े नेक आत्मा, बड़े अफसर साहब के उसका जो है ना विवाह हुआ, नाता जुड़ा। अब उस अपने पति को जा करके उस लड़की ने कह दिया, जी मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करवाना चाहती थी, मेरे माता पिताजी समाज को बहुत देख रहे थे, लोक लाज में ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उसने कहा कि आपने फिर निकाह कबूल क्यों किया था, संतान उत्पत्ति नहीं करेगी, मुझसे मिलन नहीं करेगी, तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया था, कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पिताजी लोक लाज के कारण घने दुखी हो गए थे। अब आप देख लो, यदि आप जी ने मेरी शर्त स्वीकार नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आपको टच नहीं कर सकती, मैं गृहस्थी नहीं कर सकती। अब वो घना दयालु आदमी था, नेक व्यक्ति था, उसने सोचा भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूँ, ऐसी देवी है, भगवान से डरने वाला था। उसने कहा देख अराबिया बात सुन, ठीक है मैं तो और शादी करवा लूँगा, क्योंकि मुसलमानों में अनेक विवाह हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे आपके माता पिता की लाज थी ऐसे मेरे माता पिता की भी लाज है, आपको मैं अलग से दे दूंगा कमरा, और तू भक्ति जैसा भी करती रहना, संसार की दृष्टि में रहेगी मेरी पत्नी, लेकिन मेरे दृष्टि में तो मेरी बहन तुल्य होगी, तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तुझे पर्दे से बाहर नहीं रहने दूंगा। राबिया ने सुख का सांस लिया, हे अल्लाह बड़ी सुनी आपने मेरी। अब उस लड़की ने
वहाँ देखा समाज में, क्योंकि 1, 2, 20, 1,000,00,000 सभी एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति की, परमात्मा वाली भक्ति को छोड़ दिया और वो लोक वेद वाली शुरू कर दी। अपुन आत्मा सत्संग के अभाव से अभी तक ये बिजली गिरती रही। अगर उस लड़की को रह रहकर सत्संग मिलता रहा होता, अपरमात्मा उन जो त्रुटियां समाज में होती हैं उनको अब पहले करके दिखा दी कि ये ऐसी बिजली गिरती है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता रह रहकर पड़ेगी आपको, तो वह विचलित होगी और वही पूर्व वाली जो साधना अपने धर्म में थी वो करने लगी, नमाज नमोज और यह सब, बकरीद ईद सब करने लगी। फिर होगी जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने अपने पति से कहा कि अब हज करना अनिवार्य बताते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं हज कराऊं। मुसलमान धर्म में ये माना जाता है जो हज कराते हैं तो वो सीधे स्वर्ग जाते हैं जब उनकी मृत्यु होती है, हज नहीं करता तो वो अभी वो मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। उसने देख लिया है बेचारी, कभी बाहर गली में मैंने किसी से बात करती भी नहीं देखी। कहा कि मैं आपके लिए कोई ऊँट व्यवस्था करवा देता हूँ और साथ में कुछ नौकर भेज देता हूँ। वो कहने की नहीं, मैं पैदल जाऊँगी, और भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब वो चल पड़ी और जाने वाले कोई जा रहा था, कोई नहीं आ रहा था, कोई किधर रस्ते में बैठ गया, तो वह सीधी चली जा रही थी। उसने क्या देखा कि एक कुएं के ऊपर एक कुतिया प्यासी खड़ी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बालक वो अलग पड़े थे और वो इतनी प्यासी थी कि राबिया के चरणों की तरफ आई, फिर भाग दौड़ कर कुएं की तरफ झांका, फिर उसके पैरों की तरफ आई। अब राबिया ने देख लिया कि प्यासी बहुत है, वहां जाकर देखा कुएं पर कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सी नहीं। अब उधर से उस कुतिया की दुर्दशा देख कर उस पर रहा नहीं गया। कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं है वो संत दरवेश, वो साधु कसाई के तुल है। अब उस लड़की ने कोई चारा नहीं देखा आसपास, कोई गांव झोपड़ी भी नहीं, कहीं से को बाल्टी ने जू ले आऊं। उसने आओ देखा ना तो आओ देखा, अपने सिर के बाल नो पाड़ दिए खसा खस खसा कर। आप पाड़ के देखो 5-4 बालों को एकदम नो खसा खस पाड़ दिए, कति सारे बाल पाड़ दिए और उनकी फिर रस्सी बाटी आप लो आने होगी। रस्सी बाटी बहुत लंबी, गहरे पानी जल होता था। अपने कपड़े निकाल कर पहले मोटे कपड़े पहना करते थे खादी के रेंजे के, और उसका बांध के नीचे जल में डबोए और फिर निकाल के एक पात्र पड़ा था मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा घड़े का, उसमें निचोड़ा, फिर पानी निकाला और कुतिया 1 सेकंड में उसने जब वह पी जा और फिर नो मुँह की तरफ देखे, फिर दूसरा। अब ऐसे वह कुतिया छका दी, तृप्त किया और अपने बालों को रक्त से साफ किया और कपड़े पहन गए, चालन की तैयारी करी थी, इस प्रस्थान करना चाहा था। इतने में कहते वो मक्का जहाँ ये हज करने जाते हैं, मक्का में शीश नवाने जाते हैं, वो नो की नो बिल्डिंग उठ गए और ऐसे लग गई उस कुएं के साथ में जैसे गाड़ी प्लेटफार्म पर लग गया ग्रह। अब उस देखकर मक्के को राबिया तो दौड़कर अंदर गई, दंडवत प्रणाम किया, जैसा भी वहां करते हैं सजदा किया। उसको स्वप्न सा हुआ कि मक्के मागी में तो वहां जो यथास्थान पर मक्का रहा नहीं, लोगों में हाहाकार मच गया, मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया।